नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। क्या आप जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी भारत की सीमा की पहरेदारी करती है? अगर नहीं तो देखिए ये वीडियो। आइए आज हम सुनते हैं भारतीय सेना से जुड़े एक ऐसी मेजर बाबा हरभजन सिंह की कहानी जो अविश्वसनीय होने के साथ साथ बेहद रहस्यमय भी है। मेजर बाबा हरभजन सिंह जो 1968 में नाथुला सिक्किम में पदस्थ थे और वहीं एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। यह कहानी उन्हीं बाबा से जुड़ी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा की मौत हुई तो सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। सेना के भगोड़ा घोषित करने के बाद उनके एक साथी को सपना आया जिसमें बाबा हरभजन सिंह ने यह बताया कि उनका शव उस जगह पर दफन है और वहीं पर उनकी राइफल भी है। जब साथी और अन्य सैनिक उस जगह पर गए जहाँ बाबा ने सपने में बताया था तो वहां बाबा का शव मिला और उनकी राइफल भी वहीं से मिल गई। इसके बाद उनका मान संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के साथ ही बाबा को जो सेना ने भगोड़ा घोषित किया था वह बात भी समाप्त कर दी गई। लेकिन इसके बाद आश्चर्यजनक बात यह रही कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा वहीं पर तैनात मिली। हुआ यह कि कोई भी जवान जब सो जाता और वह ड्यूटी पर अगर उसे नींद आ जाती तो एक अज्ञात व्यक्ति आकर उस पर वार करता यानी थप्पड़ मारता और उसे उठा देता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि बाबा की आत्मा यहाँ पर विचरण करती है और वह यह भी देखती है कि जवान अपनी ड्यूटी बराबर दे रहे हैं या नहीं। बाबा का एक वहाँ पर मंदिर भी है जो सेना ने बनवाया है और कुल मिलाकर वहाँ पर दुआएं भी मांगी जाती हैं। कुल मिलाकर बाबा की यह जो कहानी है यह बेहद दिलचस्प है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा से जुड़ी कई बातें इन दिनों चलन में आ गई हैं। बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे भारत चीन सीमा पर अभी भी निगरानी करते हैं और जब इस बात की पुष्टि हुई तो फिर बाबा का जो बंकर उनका था वहां पर एक मंदिर बनवाया गया और वहां उनके बिस्तर कपड़े सब कुछ रखे गए। बाबा को यहां पर खाना भी परोसा जाने लगा और सेना ने उन्हें जिंदा सिपाही की तरह माना। आश्चर्य की बात यह होती थी कि बंकर में बिस्तर लगाया जाता रात को और सुबह उस पर सलवटें मिलती। इसी तरह जूते साफ करके रख दिए जाते तो उस पर मिट्टी के निशान मिलते। कुल मिलाकर बाबा का यह पूरा रहस्यमय मामला सेना के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचा और इसके बाद उन्हें मौत के बाद भी पदोन्नति और छुट्टियां भी दी जाने लगी और उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाने लगा मानो वे एक जिंदा इंसान हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बाबा कई बार चीन की सीमा में एक सफेद घोड़े पर तैनात भी दिखाई दिए जिसकी पुष्टि चीन के सैनिकों ने भी की। चीन के सैनिकों ने यह कहा कि आपके यहाँ का एक जवान सफेद घोड़े पर सवार होकर हमारी सीमा में घुस आता है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारा कोई जवान सीमा में नहीं आता है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि सफेद घोड़े पर बाबा की आत्मा घूमती थी। इसके बाद तो बाबा का वहां मंदिर बनाया गया और वहां पर दुआएं भी मांगी जाने लगी। भारतीय सेना से जुड़ा यह एक रहस्य ऐसा रहस्य है जिसकी सभी दूर चर्चा होती है और सेना का हर सिपाही यह मान के चलता है कि वे कैसी भी कठिन परिस्थिति में फंस जाएं, बाबा की आत्मा उन्हें रास्ता जरूर दिखाएगी और उनका हौसला बढ़ाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।